नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरा लाल। श्री कृष्ण ने राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव की पत्नी, राजा उग्रसेन की पुत्री और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया था और गोकुल के ग्राम प्रमुख नंद राय की पत्नी यशोदा जी ने उनका लालन पालन किया था। भविष्यवाणी से कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का काल बनेगा, इस कारण कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया और कृष्ण के जन्म से पहले जन्मे बच्चों को मार डाला। इस डर से कृष्ण, जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, उनके पिता वासुदेव यमुना पार कर यशोदा जी के पास छोड़ आए, यशोदा जी के बच्चे को ले आए। जेल के सारे द्वार अपने आप खुले और बंद हो गए। इसी के साथ यशोदा जी ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा के घर में कृष्ण की लीलाएं चलती रहीं, जैसे यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उनको यशोदा द्वारा ओखल से बांध देने की घटना, ओखल बंधन, कालिया उद्धार, पूतना वध, गौचारण, धेनुक वध, दावाग्नि पान, गोवर्धन धारण, रासलीला आदि। अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख दिया था भगवान ने। और इसके बाद श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। इससे माता यशोदा को बहुत ही असहनीय पीड़ा हुई। कृष्ण जी ने मथुरा में 10 साल 8 महीने की उम्र में अपने ही चाचा को मार डाला। उन्होंने फिर अपनी जैविक माँ और पिता को रिहा कर दिया। Thank you.
कंस के मरने के बाद उसके ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा। कृष्ण जी ने मथुरा में युद्ध ना करने में समझदारी समझी और भाई बलराम स्वजनों के साथ द्वारका नगरी में आ गए। मैदान छोड़कर भागते देख जरासंध ने कृष्ण जी का नाम रणछोड़ रख दिया। यहाँ रणछोड़ भगवान का बहुत ही सुंदर और मनमोहक मंदिर है। गुरु वायु रपन मंदिर भारत में चौथा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर को भूलोक वैकुंठतम भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान गुरु वायुरप्पन जी की प्रतिमा है जो श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप के रूप में है। अपनी शिक्षा के बाद उन्हें अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों के वनवास के भाग्य के बारे में पता चला। वे वैक्स हाउस में उनके बचाव में आए और निर्वासन के दौरान पांडवों के साथ खड़े रहे। फिर पांडवों ने द्रौपदी से शादी कर ली। इस गाथा में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। कौरवों और पांडवों के महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बने और गीता में वर्णित उपदेश दिए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांचों पांडव गंगा पुत्र भीष्म पितामह से उनको हराने की युक्ति पूछने गए थे, तब भीष्म ने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया था कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह अर्ध नारीश्वर है। अर्जुन यदि उसके पीछे खड़े होकर मुझ पर तीर चलाता है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब भीष्म को अर्जुन ने अपने बाणों से घायल किया था। उस दौरान सूर्य दक्षिणायन में था, इसलिए भी भीष्म ने अपने प्राण नहीं त्यागे थे। फिर करीब 58 दिन के बाद सूर्य उत्तरायण के दौरान भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सिंधु देश यानी सिंधु घाटी के राजा जयद्रथ ने युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला। अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की कसम खाई। अगले दिन जब सूर्य अस्त हुआ तो जयद्रथ ने अपना सिर बाहर करके दिखाया कि वह विजयी है। अचानक आकाश में सूर्य फिर से प्रकट हो गया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। दरअसल श्री कृष्ण ने उस दिन होने वाले सूर्य ग्रहण की जानकारी से जयद्रथ को भ्रमित किया था और पांडवों को कुरुक्षेत्र युद्ध जिताया। उससे पहले कौरवों द्वारा द्रौपदी क्षीर हरण में उन्होंने द्रौपदी को शर्मिंदगी से बचाया था। फिर उन्होंने पांडवों को इंद्रप्रस्थ और उनके राज्य की स्थापना में मदद की।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जरासंध ने अपनी अधर्मी लोक सेना के साथ श्री कृष्ण पर 17 बार हमला किया, फिर भी श्री कृष्ण ने उसका वध नहीं किया। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध युद्ध में दुनिया भर से अधर्मियों को हमारे सामने लाता है, इसलिए हम इन सभी दुष्ट लोगों को एक ही स्थान पर मारने में सक्षम हैं। जब ये सभी दुष्ट लोग मारे जाएंगे तो हम जरासंध को भी मार डालेंगे। भगवान कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध का वध भी किया था। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सफल नहीं रहा। एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब वह जीवन भर शांति से रहे। हर मोड़ पर उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी। उन्होंने जिम्मेदारी की भावना के साथ सभी का सामना किया और फिर भी अनासक्त बने रहे। गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में भालका तीर्थ वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक एक शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से मारा गया था, जिसके बाद उन्होंने शिव की पूजा की। इन सब से हमें यह सीख मिलती है कि देवताओं को भी मुसीबतों और असफलताओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए मनुष्य के रूप में हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एकांत में प्रभु को याद करते रहना चाहिए और उनमें आस्था और विश्वास के साथ कैसी भी चुनौतियां हो उनका साहसपूर्ण सामना करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।